मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का कल देर रात हार्ट अटैक के चलते मुंबई में निधन हो गया। वो 71 साल की थी। सरोज खान 17 जून से मुंबई के बांद्रा में स्थित गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था। उनके परिजनों के मुताबिक सरोज खान डायबिटिक और इससे संबंधित बीमारियों से जूझ रही थी। हॉस्पिटल में भर्ती के बाद उनके कोरोना संक्रमण की जांच भी की गई थी, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी। बीमारी के कारण सरोज खान लंबे समय से काम से ब्रेक पर थी, लेकिन बीते साल उन्होंने वापसी की थी और मल्टी स्टारर फिल्म कलंक और कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में भी सभी गानों को उन्होंने कोरियोग्राफ भी किया था। सरोज खान है और मैं तय दिल से अपने जितने डॉक्टर हैं, जितनी नर्सेस हैं, जितने पुलिसमैन हैं, जितने फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं, उन सबको हम थैंक यू बोलते हैं कि आप हमारी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन हमारी इंडिया क्यों नहीं समझती है कि ये हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। कल आप बीमार पड़ेंगे तो आप सोचो आपके बच्चे बीमार पड़ेंगे, क्या उनसे उनकी जवानी उनका बचपना छीन लेना चाहते हो? ऐसे माँ बाप को आप कुछ तो रिस्पेक्ट दिखाओ। वो क्या करते हैं डॉक्टर, अगर आपके पास आते हैं तो आपकी बचत के लिए। उन लोग अपनी जान खतरे में डाल के आते हैं। प्लीज प्लीज भगवान के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, जीसस के वास्ते अपने आप की देखभाल करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।